हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कोई मुझे मैसेज कर सकता है कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? महावीर जी, मेरा आवाज़ आ रहा है? एनीवन कैन मैसेज मी? ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिताभ वालिया है और मैं जनरल मैनेजर हूँ VLCC वेल्थ साइंस पे, और आज आप सबका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज अबाउट फोकस। फ्रेंड्स, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, अगर हम सबको सक्सेस पाना है और सफलता पाना है तो फ्रेंड्स, फोकस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। क्योंकि दिशाहीन व्यक्ति, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो लाइफ में कहीं पहुंच नहीं सकता, जिसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है। सो ये बहुत ज़रूरी है। और फोकस वही व्यक्ति कर सकता है जिसका लाइफ में कोई गोल हो, जिसको कहीं मंजिल पे पहुँचना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक कोटेशन बड़ी अच्छी मैंने कहीं पढ़ी थी, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। यानी कि हम हालात की उपज नहीं है, हम हमारे फैसले, हमारे जो डिसीजंस है लाइफ में, वो हमें पहुंचाते हैं। यानी कि पास्ट में जो हमने डिसीजंस लिए थे, पास्ट में जो फैसले किए थे, उसका आज हम रिजल्ट है। और कल हम लाइफ में कहाँ पहुँचेंगे, हमारे लाइफ में हम क्या डेस्टिनेशन होगा, क्या हमारा डेस्टिनी होगा फ्रेंड्स, वो डिपेंड करेगा कि हम आज अपने क्या डिसीजंस लेते हैं। सो ध्यान करिए कि हम हालात की उपज नहीं है, हमारे डिसीजंस जो हम लेते हैं उसका हम लोग रिजल्ट है। तो इससे ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ है, जो ईश्वर ने रखा है, जो उन्होंने डेस्टिनी किया है। जैसे मैं, जब बहुत साल पहले मैं थोड़ा पामिस्ट्री, मेरे को पढ़ने का शौक हुआ था, तो मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी उस वक्त पामिस्ट्री के बारे में। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, दिस इज़ व्हाट गॉड हैज़ मेड यू, ये भाग्य लेके हम लोग धरती पर आते हैं, और राइट इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड, जो हमने क्रिएट किया वो हमारे हाथ में। यानी कि ऊपर वाले ने एक बराबर की पार्टनरशिप हमको दी है कि भैया ये तुम्हारा भाग्य है, बट दिस इज़ यू आर नॉट कन्फाइंड टू इट, आप इसी से बंधे नहीं हो, आपके हाथ में कर्म की भी रेखा है। तो अगर आप अपना कर्म चेंज करोगे तो आपका आउटकम भी, आपका आउटपुट भी आप चेंज कर सकते हो। और हमारी जो रेखाएं हैं ये हाथ की, ये हमारी सोच से कंट्रोल रहती है, और सोच के साथ साथ ये बदलती भी रहती है फ्रेंड्स। तो ध्यान करिए कि बहुत कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है, बहुत कुछ हमारी सोच में है। जैसे मैंने कई बार बोला कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी डेस्टिनी बनती है। तो आज के बाद मैं चाहूँगा सब लोग अपनी डेस्टिनी, जो भी ऊपर वाले की, उसके भरोसे ना रहे। जैसे वो हमने डायलॉग सुना था नजामुद्दीन सिद्दीकी का पिक्चर में, मांझी, कि क्या पता भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे ही भरोसे बैठा हो। सो वी नीड टू टेक कमांड ऑफ योर लाइफ, आवर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हमको लेनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो दूसरा एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने कहीं पढ़ा, वही फोकस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, यानी कि जिंदगी में हमें वही मिलता है जिस पर हम फोकस करते हैं। सो फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, कितनी बड़ी लाइन किसी ने कही है कि यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, सो यू फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट। यानी कि जिंदगी में हम उसी दिशा में बढ़ते हैं, उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ पर हमारा फोकस होता है। ये फोकस जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। तो अगर आप अपने एक्टिव माइंड को कंट्रोल करेंगे, आप अपने अपनी थॉट को कंट्रोल करेंगे, तो आप जिंदगी की दिशा आप खुद देंगे। और अगर आप हालात के भरोसे अपने आप को छोड़ देंगे, अपनी कश्ती को, अगर समुद्र में तूफान आ रहा है, दो रास्ते हैं, कि आप हाथ पैर मारें और उसको, कश्ती को अपनी दिशा की ओर लेके जाएं, या यह है कि जो होगा देखी जाएगी और फिर लहरों के भरोसे छोड़ दें। सो फ्रेंड्स, यही ध्यान करिए
कि यू गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। सो इससे क्या होगा कि जब आपको पता होगा मुझे किस दिशा में जाना है और आप उसी दिशा में फोकस करोगे, सारी एनर्जी अपनी उसी दिशा में बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल की दिशा में बदलेंगे। ओके, और जैसे बोलते हैं कि अगर दिशा सही होती है तो दशा भी सही जरूरी होती है। तो अगेन मैसेज यही है, फोकस रहिए, आपका जो गोल है लाइफ में, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन है, उस पर केंद्रित रहिए। ओके, और उसी दिशा में बढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे टॉर्च है, अगर मेरे हाथ में टॉर्च है और मैं उसको इस तरफ, अगर टॉर्च को करता हूँ तो इस तरफ रोशनी करेगी, और टॉर्च को मैं इस तरफ करता हूँ तो टॉर्च इस तरफ रोशनी करेगी। ओके, जिस भी तरफ मैं टॉर्च की रोशनी को, टॉर्च की ऊर्जा की ओर डालूंगा, वही हिस्सा रोशन होगा। सो इम्पॉर्टेंट यही है फ्रेंड्स, कि जिस दिशा में अपनी ज़िंदगी को मैं डालना चाहता हूँ, जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ, मुझे उसी दिशा में फोकस होना पड़ेगा, उसी दिशा में मुझे केंद्रित भी होना पड़ेगा। तो दूसरा मैसेज बहुत स्ट्रांग है मेरा आपको, कि यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, सो यू फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि मैंने बहुत साल पहले जब NLP का कोर्स किया था, तो मैंने एक टाइमलाइन थेरेपी का भी कोर्स किया था। टाइमलाइन थेरेपी का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हमारे लाइफ में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो हमारे ब्रेन में वो फाइल होते रहते हैं, वो फाइलिंग सिस्टम में हमारे स्टोर होते रहते हैं। और जब भी हमें कोई रेफरेंस लेना होता है, हम उस फाइलिंग स्टोन, जैसे आप अपने घर में कोई फाइल्स रखते हैं ना ऑफिस में, और जब आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, उस फाइल को आप निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी सारा फाइल हो रखा है। ओके, तो जैसे जब हम रात को सोते हैं तो दिन भर के जो घटनाक्रम हुए वो सब हमारा ब्रेन फाइलिंग सिस्टम चेंज करता है। सो जो मैंने टाइमलाइन थेरेपी का कोर्स किया फ्रेंड्स, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही था, उसमें यही लर्निंग थी कि पास से आप लर्निंग्स को लेके आए, इमोशन को ना लेके आए। आप पास को नहीं बदल सकते, ओके, आप पास से लर्निंग्स को ला सकते हैं, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। कुछ अच्छा हमने किया उसको हम रिपीट कर पाए, और अगर हम कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ हमने गलती किया, उसको हम रिपीट ना करें। सो यू कांट चेंज द पास्ट, ओके, सो फोकस ऑन मेकिंग अ ग्रेट फ्यूचर। यू कांट चेंज द पास्ट, सो फोकस ऑन मेकिंग अ ग्रेट फ्यूचर। सो कई लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट की टेंशन में रहते हैं कि पास्ट में गलत किया हुआ, या फ्यूचर की एंग्जाइटी में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और इस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो वर्तमान है वो खराब हो जाता है। और वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। ये वर्तमान एक गिफ्ट है, ये समय, ये पल आज हमारे हाथ में जो है वो एक गिफ्ट है। ओके, क्योंकि हम इसके रचयिता हैं, हम इसी को रचना करके, इसी को क्रिएटिविटी करके, जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ चला के एक बढ़िया सी मूर्ति बना देता है, कलाकार ब्रश चला के एक बढ़िया सी तस्वीर बना देता है, ऐसे भी हम खुद अपनी आज वर्तमान को हम यूज करके, ओके, अपनी जीवन की रचना कर सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो माधवन जो एक हीरो है, ये आप 3 इडियट्स में भी थे वो, सो उन्होंने कहीं पर जाकर अपनी हेल्थ के ऊपर किसी कंट्री में गए और काफ़ी उन्होंने सीखा वहाँ पे हेल्थ के बारे में। वो लाखों रुपये दे के गए, और बड़े मज़े की बात उनको यह हुई कि जब वो लाखों रुपए दे के उस जगह पहुंचे, तो एक भारतीय ने उनका इलाज किया और भारतीय पद्धति से किया, ओके, मगर पैसे उनसे विदेशी लिए, ओके। सो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है जो मैं चाहूँगा आप भी उसके बारे में ज़रूर अपने जीवन में उसको डालिए। उन्होंने बोला एक 30 सेकेंड्स का फोकस, यानी कि हमारे साथ क्या होता है कि जब हम अभी कुछ कर रहे होते हैं तो हम आगे के बारे में सोच रहे हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं इसके बाद क्या, जब हम शावर ले रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, हम बोल सोच रहे होते हैं इसके बाद क्या। हम लोग वर्तमान में नहीं होते, हमेशा इसके बाद क्या। इससे क्या होता है कि हम अपना वर्तमान भी इंजॉय नहीं कर पाते। सो मैंने थोड़ा कोशिश किया है, आप भी कोशिश कीजिए कि 30 सेकेंड्स फॉर्मूला, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर केंद्रित हैं, क्या ये 30 सेकेंड्स का हम फोकस कर सकते हैं कि वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ मैं उस पर स्थित रहूँ। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम टीवी ऑन कर लेते हैं, ओके, तो ना तो हम खाने में फोकस कर पाते हैं, ना टीवी में फोकस कर पाते हैं। और भोजन के बारे में तो बोलते हैं कि ये 5 इंद्रियों से खाना चाहिए, भोजन खाली पेट भरने के लिए ही होता,
ये आपका माइंड बॉडी एंड सोल ये तीनों को तृप्त करता है। और ये तृप्त तभी करेगा जब हम अपनी आंखों से इसको देखेंगे, नोज से इसका स्मेल लेंगे, हाथों से, जैसे पुराने जमाने में सब लोग हाथ से खाते थे, और हम लोग जुबान से उसको टेस्ट करेंगे। सो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप भी इम्प्लीमेंट करिए कि 30 सेकेंड्स फॉर्मूला, कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो टीवी भी देखना हो, चाहे वो खेलना हो, आप उसी पे केंद्रित रहें, ओके? उसके बाहर नहीं, व्हाट नेक्स्ट नहीं, व्हाट नाउ, अभी क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट ये कि यू कांट चेंज द पास्ट, आप पास्ट को बदल नहीं सकते। सो फोकस ऑन मेकिंग अ ग्रेट फ्यूचर, फ्यूचर को हम बेहतर कर सकते हैं कब, जब हम आज उसके लिए प्लानिंग करें, आज हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएं और आज हम उसके लिए करें, क्योंकि आज जो है कल यही हमारा फ्यूचर बनेगा, और जब हम मुड़ के देखेंगे वही हमारा पास्ट बनेगा। जैसे एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जब हम छोटे थे तो हम अखबार में आता था, डॉट डॉट दिखती थी अखबार में, तो हमको समझ नहीं आता था ये डॉट्स क्या हैं, और फिर ये होता था कि पेंसिल से आप इसको ज्वाइन करिए डॉट्स को। तो जैसे जैसे हम पेंसिल से उन डॉट्स को जोड़ते थे तो हमको धीरे धीरे एक तस्वीर बनती नज़र आती थी, यस? तो जैसे वर्तमान में आज हम बात कर रहे हैं या हम कुछ भी करते हैं, वो एक डॉट है, आज हमें उसका महत्व समझ नहीं आता, पर फ्यूचर में जब हम मुड़ के देख रहे होते हैं तो पता लगता है कि एक तस्वीर बन रही थी और वो पल उसका एक छोटा सा पार्ट था। और जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला है कि अगर आपकी मन का होए तो भी तो अच्छा, और मन का ना होए तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता तो इसका मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और लिखा है, तो वो क्योंकि हमारा बुरा नहीं चाहते, उन्होंने एक बेहतर ज़िंदगी, और जो मन का होए तो वो भी अच्छा, और मन का ना होए तो और भी अच्छा, क्योंकि तब आप अपने कंट्रोल, अपने नहीं, आप ऊपर वाले की रज़ा के हिसाब से करते हैं, और उनकी रज़ा हमेशा हमारे लिए बेहतर होती है, वो हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और वो हमारा बेहतरी ज़्यादा जरूर। सो ध्यान करिए, आप जब कश्ती चलाते हैं तो पीछे को देख के नहीं चलते, आप आगे को देख के चलते हैं। तो मैं चाहूँगा आज से पास्ट के इमोशंस में ना रहें, पास्ट से लर्निंग्स लें, हमेशा उन बैगेज को कैरी मत करें, आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है, इट्स अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट। तो इसमें अलग अगली अगली लाइन भी यही है फ्रेंड्स की, फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बी, फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बी, नॉट वेयर यू वर और वेयर यू आर। अभी कहाँ हैं, कहाँ थे, उस पे नहीं, अब यहाँ से हमको इसको क्रिएट करना है, इस वर्तमान को क्रिएट करना है अपने भविष्य के लिए, ओके? और उस भविष्य के हिसाब से हमको अपनी जहाँ जाना है, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी मंजिल। और ध्यान करिए, जब भी मुश्किलें होती हैं, जब भी सागर मंथन होता है, तो विष के साथ साथ अमृत भी निकलता है। सो जैसे अभी विपदाएं हैं, कोरोना चल रहा है, भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे तूफान आ रहे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा, प्रकृति जैसे अपना पूरा विरोध जता रही है, और ये पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि हम लोग जून में हैं, यानी कि हाफ द ईयर हैज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट पास्ट, और ये जून का 2020 मोटा मोटा मान के चलिए कि ऐसे चलने वाला है, इन्हीं टर्मोइल में, इन्हीं मुश्किलों में ये अगले 6 महीने भी जाने वाले हैं। अब सवाल है कि कौन इसमें से विक्टर निकलेगा, कौन इस सागर मंथन में से अमृत की प्राप्ति करेगा, और कौन इस सागर मंथन में से विष की प्राप्ति करेगा, यानी कि कौन इसमें से कामयाब होएगा और कौन इसमें से निकल जाएगा। जो बदलने को तैयार है, जो रिक्रिएट करने को तैयार है, जैसे आज हम बोले ना कि लॉकडाउन 2.0, मोदी गवर्नमेंट 2.0, ओके, लॉकडाउन 3.0, यानी कि एक नया, ऐसे ही हमको भी अपना एक नया वर्जन बनाना पड़ेगा। प्री कोविड, अब दुनिया दो तरीके से देख रही है, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। दुनिया पोस्ट कोरोना में, पोस्ट कोविड में, दुनिया प्री कोविड से बिल्कुल बदल रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और सबको लग रहा था पहले 15-20 दिन महीने का बदलाव है, मगर जैसे जैसे मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, अब मई से जून होता जा रहा है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें परमानेंट होती जा रही है, द इम्पैक्ट इज गेटिंग परमानेंट। सो अगर बदलाव नहीं किया, डायनासोर ने बदलाव नहीं किया तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया,
यस, ऐसे ही हमको भी बदलाव को करते रहना पड़ेगा। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। दुनिया में अगर कोई सत्य है, दुनिया में जो चीज़ हमेशा रही है वो है परिवर्तन, और जो समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। और टेक्नोलॉजी, जैसे अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे ब्रदर बोलते हैं, वो आर्मी में है, सिग्नल्स में, तो कहते थे एक्चुअली आप लोग क्यों ट्रैवल करते हो, आप लोग क्यों ये सेमिनार्स करते हो, आप क्यों हजारों किलोमीटर जाते हो, टाइम भी खर्च करते हो, पैसा भी खर्च करते हो, आप ये फेसबुक और स्काइप और ये सब क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, हमारे यहाँ तो सब वन टू वन इंट्रैक्शन ही होता है। मगर आज देखिए, जहाँ हमारी आर्मी आज से 5 साल 7 साल पहले ही उन्होंने फिजिकल मूवमेंट कम कर दिया था, वो सोशल इस तरह से लाइव पे करते थे अपने उस कम्युनिकेशन के द्वारा, हम भी आज वहीं पहुंच गए। यस, और आज हमको लग रहा है कि भाई कितना शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट था। जहां पर हम लोग कर रहे थे, और प्रोडक्टिविटी आज आप खुद समझिए और हम सब समझ रहे हैं कंपनी में भी, कि हम सबकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। जहां अगर मैं देखता था कि अगर मुझे 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, सब 4:45 बजे घर से निकलता था, 1 घंटे पहुंचता था, फिर 7 बजे की फ़्लाइट पकड़ता था, कभी फ़्लाइट 1 घंटे 2 घंटे लेट हो जाती थी, फिर लैंड करता था, फिर कैब लेता था, फिर ये सब था, कितना टाइम और एफर्ट था। मगर आज प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आज हमारे उन आज की रिजल्ट अच्छे बढ़ गए। सो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा बदलाव के लिए तैयार करिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। आपका 2.0 वर्जन, आपका 3.0 वर्जन, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता था सीखिए, आपको लैपटॉप, आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता था सीखिए, आपको जूम करना नहीं आता था सीखिए, आपको फेसबुक करना नहीं आता था सीखिए। सीखना जरूरी है, क्योंकि जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। अडेप्ट करना जरूरी है, ये मेरा मैसेज है। सो फोकस ऑन वेयर यू वॉन्ट टू बी, नॉट वेयर यू वर। जो बीत गई सो बात गई, अब कहाँ जाना है। कोमा में मत रहिए, कई लोग कोमा में ही रहते हैं, वो पास्ट में ही रहते हैं। जैसे भूकंप आता है ना, भूकंप आता है तो घड़ी रुक जाती है 10 बज के। आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई घड़ी खरीदने जाते हैं, कभी वॉच खरीदने जाते हैं, तो वो सब 10 बज के 10 मिनट क्यों दिखाते हैं वहाँ पे घड़ी वालों के, क्योंकि ये वो किसी भूकंप के बारे में है, जो बहुत बड़ा भूकंप आया था और घड़ी 10 बज के 10 मिनट पर रुकी थी। तो सबको, किसी को नहीं पता, पर हर घड़ी वाला 10 बज के 10 मिनट पर ही उसको रोकता है। ऐसे ही होता है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या करा, जब स्कूल कॉल 12th के बाद अपने काम करने शुरू कर दिए, कॉलेज नहीं किया, तो सालों के बाद भी हम उन्हें मिले तो वो वही बात करते थे, उनका माइंडसेट वही था जो 12th के टाइम था, तो वो ग्रो नहीं, उनका वो ग्रो नहीं कर पाए। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो जहाँ जाना है उस पर फोकस करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक और है फोकस के ऊपर, कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर हमारा फोकस होता है, जिधर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उधर ही हमारी सारी ऊर्जा जाती है, उधर ही हमारी सारी एनर्जी जाती है। दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जहाँ अगर हमारा फोकस किसी नेगेटिविटी की ओर है, सो हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा एनर्जी उस तरफ जाएगा। और अगर हमारा फोकस किसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर है, किसी क्रिएटिव चीज़ के ऊपर है, सो हमारी सारी ऊर्जा, सारी हमारी एनर्जी जो है उसकी ओर जाएगी। सो बिल्कुल ध्यान करिए, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। फोकस कहाँ जा रहा है, क्या आपके जो एक्शन है, आपका जो साथ है, आप जो सीख रहे हैं, वो आपकी मंजिल की ओर लेके जा रहा है या आपको मंजिल की विपरीत दिशा की ओर लेके जा रहा है, आपकी ऊर्जाएं कहाँ जा रही है। और कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने में सारी अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। इस केस में उसका नुकसान तो नहीं कर पाते वो, पर अपना खुद कर लेते हैं। यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंडसेट। सो अंदर से हमें अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर फ्लो हो रही है, तो हम बाहर से निकल। सो बिल्कुल ध्यान करिए, फोकस सही होगा। अगर टॉर्च की रोशनी इधर डालेंगे तो टॉर्च की जो सेल है, जो उसकी ऊर्जा है, वो इसी इसी को रोशन करेगी। और टॉर्च की रोशनी को अगर इधर जलाए करेंगे तो उसकी जो सेल है, उसकी जो ऊर्जा है, वो इस तरफ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे लिए है, कि हम जिस तरह फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर या डिस्ट्रक्शन के ऊपर। यस, एक आतंकवादी का फोकस एनर्जी होती है डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन पे सारी एनर्जी लगाता है। और एक व्यक्ति की जो क्रिएट करता है, क्रिएट वो क्रिएटर है, उसकी फोकस है क्रिएशन के ऊपर।
सो ये बहुत जरूरी हमारे ऊपर कि हम ध्यान करें कि हमारा फोकस कहाँ है, क्योंकि हमारी जो सारी एनर्जी है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ, वो आपका सर्वेंट है। वो जिस तरफ उसको आप फोकस करने को बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव उसे नहीं मालूम, अच्छा बुरा उसको नहीं मालूम, यस गुड और बैड उसको नहीं मालूम, वो तो आपके हुक्म की तामील करता है, जो आप उसको बोलते हैं वो वही करता है। ओके सो फोकस सही करिए, क्रिएशन की ओर पढ़िए और उसी तरफ आपकी सारी एनर्जी और सारा ऊर्जा आएगा। और फोकस होने के लिए बहुत ज़रूरी क्या है फ्रेंड्स, कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे, जो चीज़ें हमको डाइवर्ट करती हैं, उसको हम कम करें। काम कर रहे हैं तो टीवी चल रहा है, तो टीवी में जो न्यूज़ आ रही है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। टीवी देखना है तो सब कुछ बंद करके 5-10 मिनट टीवी देख लीजिए, न्यूज़ ही देख लीजिए। ओके क्योंकि कई बार मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में, बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में हम लोग नहीं करते। हम लोग कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर फोन भी ऑन है हमारा, तो जैसे ही कुछ करते हैं कभी फोन की कॉल आ जाती है। ओके सो एक फोकस होना, जो 30 सेकेंड्स वाला कंसेप्ट की मैंने बात करी, कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करिए कि हमको 24 घंटे मिले और उसमें से 8 घंटे तो हमारे सोने में गुजर जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कम से कम अगले 8 घंटे भी और हमारे उन कामों में निकल जाते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। सुबह को अगर हम 7 बजे सो के उठे और फ्रेश होते होते 8-9 बज गए तो 2 घंटे तो ये निकल गए। फिर 2-3 घंटे काम किया, फिर लंच के बाद 1-1.5 घंटा हो गया, शाम को 6-7 बजे के बाद फिर कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या रहा कि मुश्किल से 6 से 8 घंटे ही हमारे पास हैं जो हम प्रोडक्टिव हैं, जहाँ पर हम रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको फोकस होने के लिए हमको डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। जब केंद्रित करना है किसी काम पे, तो अगर भोजन पे केंद्रित हैं तो भोजन पे ही केंद्रित होना है अपनी सभी इंद्रियों से। अगर काम पे फोकस है तो काम पर केंद्रित रहना है। अगर एंटरटेनमेंट पे फोकस है तो एंटरटेन पे फोकस रहना है। यस जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, सब कुछ एक साथ करने जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये बहुत ध्यान करिए कि जो भी कार्य करें उसको अधूरा ना छोड़ें, उसको पूरा का पूरा करके ही कंप्लीट करके ही आए। और उस दौरान जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके, अगर कॉल करना है, सपोज प्रोस्पेक्टिंग करना है, कॉल करना है तो आधे घंटे कॉल ही करिए, फिर उस टाइम कुछ और मत करिए। अगर बिजनेस का एनालिसिस करना है तो फिर आधा घंटा बिजनेस का एनालिसिस करिए, तो कॉल मत करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को मार दीजिए और फोकस को और तेज करिए। और उसको जैसे बचपन से हम सबने देखा कि हम जब कांच को लेते थे या हमारे पास लेंस होता था, और जब सूरज की किरणों को हम उस कागज़ पे बहुत बारीक बहुत माइन करते थे और थोड़ी देर तक फोकस करते रहते, तो उस कागज़ में फ्रेंड्स आग लग जाती थी। सूरज इतना बड़ा है, इतना करोड़ों किलोमीटर दूर है, मगर उसकी ऊर्जा को भी जब एक लेंस के द्वारा, एक ग्लास के द्वारा फोकस किया जाता है तो वो उसमें अग्नि पैदा कर सकता, आग पैदा कर सकता। हमको ईश्वर ने इतने सारे रिसोर्सेज, हमारा जो ब्रेन है, सारी ज़िंदगी में हम शायद उसका 1-2% भी उपयोग नहीं कर पाते। तो केंद्रित होना जरूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और फोकस में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू फोकस ऑन बींग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। हमेशा रोज ये चेक जरूर करिए कि मैं प्रोडक्टिव क्या रहा। और प्रोडक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगी अपनी, जब हमने अपने लिए टास्क बनाए होंगे कि मुझे कौन सा टास्क करना है, मेरा पैमाना क्या है जांचने का कि आज मैं प्रोडक्टिव रहा या मैं बिजी रहा। ये कैसे पता लगेगा, जब मैं आज डिसाइड करूंगा कि कल मुझे क्या करना है। कल सुबह उठ के मैं 7 बजे क्या करूंगा, मैं 8 बजे क्या करूंगा, मैं 10 बजे क्या करूंगा, और शाम तक मुझे आउटकम क्या चाहिए, मेरा रिजल्ट क्या है, मैं किस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा पैमाना क्या है। तो अगर आपका पैमाना है कि कल मुझे कम से कम 15-20 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो ये आपका पैमाना हो गया। अब आपने सुबह से अपना टाइम स्लॉट कर लिया कि भाई सुबह 9 से 10 बजे या 11 बजे मैं कॉल करूँगा, या शाम को 5 से 6 कॉल करूँगा, और मुझे 20 कॉल करनी है। और शाम को फिर आपने जब एनालिसिस किया तो आपने कहा ये 20 का टारगेट था बट मेरी 15-16 हुई, तो मेरा इतने परसेंट हो गया। क्योंकि आपने टारगेट सेट किया और आपने आउटकम सेट किया,
कि मुझे क्या पाना है, मेरा आउटकम क्या है, तभी तो आप फ्रेंड्स उसको नाप पाएंगे। तो हर चीज का अपना एक आउटकम लगाइए कि मेरे को ये आउटकम इसमें से निकालना है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग है, प्लान शेयर करना है, ट्रेनिंग करना है। तो आपने कहा भाई कल मेरे को अपना टीम का जूम ट्रेनिंग करना, तो ये आपका आउटकम है। ओके, तो मैक्सिमम लोग उस ट्रेनिंग में कैसे आए, तो मैं कैसे प्रमोशन करूंगा, मैं व्हाट्सएप पे करूंगा, मैं फेसबुक पे करूंगा, मैं मैसेजेस करूंगा, कैसे करूंगा। ओके, किस किस को मैं टारगेट अलॉट करूंगा। अगर मेरा टारगेट है कि मेरे 100 लोग मेरी ट्रेनिंग में आए, तो मैं क्या उसके लिए प्लानिंग है। और फिर शाम को आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरा टारगेट ये था और मैंने इसको ये हासिल किया, दिस इज द आउटकम। और कल फिर आप अगले दिन, फिर आप शाम को अगले दिन का टास्क रख सकते हैं। ओके, मेरे को बिजनेस का सेल बढ़ाना है। अपना सेल बढ़ाने के लिए मेरे पुराने लोगों को एक्टिव होना जरूरी है, तो मैं कंसिस्टेंसी रिपोर्ट को देखूंगा और देखूंगा मेरे कौन कौन लोगों ने ऑर्डर नहीं डाला है, तो मैं उनसे 1 घंटा आधा घंटा फोकस करके मैं बात करूंगा। और मैं ध्यान करिए, सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। यस, तो आपको क्या करना है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपने अपनी कोर टीम बना लीजिए, 10 लोगों की, 15 लोगों की या 20 लोगों की मैक्सिमम। जो आप करना चाहते हैं खुद करना है, और आपको इन 10 10 15 लोगों से भी वो करवाना है। तो अगर आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं और इन 10 लोगों को भी आपने ये सिखाया, तो फ्रेंड्स 100 लोगों तक बात पहुंची। इन 100 लोगों ने 10 लोगों को करा, तो 1000 लोगों तक बात पहुंची। ओके, जैसे हमने सुना ना, अकेला चना भाड़ को, क्या मेरे को ध्यान नहीं आ रहा भाड़ को क्या नहीं कर सकता, बट मैसेज क्लियर है कि अकेला हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो सो फ्रेंड्स, हमको फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव होना है, बिजी नहीं। अरे नहीं, सुबह से शाम तक भाग करी, दौड़ करी, पर शाम को आया क्या, रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं। पता कैसे लगा, क्योंकि कोई पैमाना नहीं था रिजल्ट क्या चाहिए, आउटकम क्या था। सो टास्क रखिए और अपने आप को चैलेंज करिए और उस टास्क को हासिल कीजिए, रिव्यू कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। हर दिन का वैल्यूएशन करिए कि 10 10 नंबर थे मेरे, क्या मैंने 2 का काम किया, 4 का किया, 6 का किया, 8 का किया। और कल फिर मैं दोबारा से अपने आप को सेट करूंगा, अपने आउटकम को सेट करूंगा, अपने टारगेट को सेट करूंगा, और फिर मैं उस पर कार्य करूंगा। फ्रेंड्स, अगर प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, फोकस के साथ आप काम करेंगे, ध्यान करिए, आपके सारे काम हो जाएंगे, छूटेगा नहीं। और अगर आप प्लानिंग से काम नहीं करेंगे, फोकस से काम नहीं करेंगे, अपना कोई आउटकम सेट नहीं करेंगे डेली का, बहुत सारे काम आपके होंगे नहीं। और होगा क्या कि हम फालतू के डिस्ट्रैक्शन में इतना समय व्यर्थ कर देंगे कि जो काम की चीजें, फिर आपको ध्यान आएगा, अरे ये तो मुझे करना था इम्पोर्टेंट काम, ये छूट गया, ये तो लास्ट डेट थी आज, ये छूट गया, आज क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी, अब छूट गया, कल को पेनल्टी लग जाएगी। ओके, बिकॉज हमने प्लानिंग नहीं किया, तो ये हमारा आउटकम गलत हो जाता है। तो फोकस ऑन बींग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बींग बिजी। यस, प्रोडक्टिव कैसे होंगे, मैंने बताया, जब आप आउटकम सेट करेंगे और रोज अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। सो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी कि जरा से सेटबैक से, जरा सी मुश्किल से अपने गोल को छोड़ देना। ऐसा ही है कि अगर आप कार में जा रहे हैं और आपका एक टायर पंक्चर हो गया, तो आपने क्या करा, गुस्से में तीनों टायर को, बाकी तीनों टायर को भी पंक्चर कर दिया। ओके, सो गिविंग अप ऑन योर गोल इज लाइक पुटिंग ऑल योर 3 टायर्स ऑल्सो, डिफ्लेटिंग दैम, उनकी भी हवा निकालना अगर एक टायर पंक्चर हो। और डायरेक्ट सेलिंग में एक शब्द बहुत रोज सुनाई देता है, ऑलमोस्ट, मैं छोड़ दूंगा, मैं क्विट कर दूंगा, दूसरी कंपनी वाले बुला रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरे की थाली सबको अच्छी लगती है ना, देर आर ऑलवेज ग्रीनर पास्चर्स, दूसरे है ना, मृग तृष्णा हमेशा अच्छी होती है। बट अंग्रेजी में कहावत है, बेटर नोन एनिमी देन एन अननोन फ्रेंड। आपको अपनी कंपनी की अच्छाई भी पता है, कमी भी पता है, आपको अपनी भी अच्छाइयाँ पता है, आप कमी पता है, आपको अपनी अपलाइन स्पॉन्सर सबकी पता है, दूसरे का तो आपको कुछ भी नहीं मालूम। दूसरे की थाली में सबको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ध्यान करिए, बिना करे कहीं नहीं मिलेगा। तीन ही बिना उपाय के दाता नहीं है देत, खेत बीज बोई नहीं फिर क्यों जाए खेत। बिना करे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ध्यान करिए। और रातों रात चमत्कार नहीं होगा। मैं कितने लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमने देखा पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, VLCC जब स्टार्ट हो रहा था, कुछ लोग स्टार्ट हुए उस टाइम,
चेंजिंग फेज था, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, कोई कहता था वंदना मैम की फोटो वेबसाइट पे नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, कोई कहता था पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं आपको ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सबके पास रीजंस। कुछ लोग टिके रहे कि नहीं ठीक है, कंपनी इज देयर, ब्रांड इज देयर, वेबसाइट इज, सब सब कुछ है, सब हो जाएगा। जो करते रहे, जो चलते रहे, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, ना केवल अपनी लाइफ को चेंज किया, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज किया, उन्होंने अपने डाउनलाइन की लाइफ को चेंज किया। और कितने लोगों को मैं फ्रेंड्स देख रहा हूँ कि इस 2 डेढ़ साल में, 2 साल में उन्होंने 2, 4, 5, 6 कंपनीज कर ली, कितनी सारी कंपनीज कर ली, और आज वो कहीं नहीं पहुंचे। बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। और छोड़ के भागना फिर एक आदत बन जाती है। कोई कार्य अगर हम बार 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 करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। तो लाइफ इज जस्ट लाइक अ बुल फाइट। जैसे देखते ना कि ये फ्रांस में देखते हैं बुल फाइट होता है, तो जब तक आप उस बुल को, उसको मुश्किल रूपी सांड को, जब तक आप सींग से पकड़ के उसको धराशायी नहीं कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, वो रोज सुबह आपके सामने आएगा। डट के, डट के मुकाबला कीजिए। ध्यान करिए, देर इज नो फ्री लंच एनीवेयर। जनरली होता क्या है कि जब आप थोड़ा करते हैं, नए होते हैं, आपकी अपलाइन आपका स्पॉन्सर सिखाता है, वो आपको मेंटोर करता है, वो कोच करता है, जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, तो फिर आप और कंपनी के लोगों की नज़र में आने शुरू हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई ये बच्चा तो पाल लिया, पड़ोस पाल लिया इन्होंने, अच्छा सा कर लिया, क्यों ना इस पढ़ाए पढ़े पढ़ाए बच्चे को छीन लूँ मैं। तो फिर वो आपको लालच देते हैं और आपको बहुत सारी किस्से कहानियाँ करते हैं और आपका फोकस चेंज कर देते हैं। कुछ लोग टिके रहते हैं और कुछ लोगों का, जिनका जिनको लाइफ में सक्सेस जल्दी चाहिए, जिनको लाइफ में लगता है कि नहीं शायद लिफ्ट भी होती है, और वो ऐसी मृग तृष्णा दिखाते हैं कि वो आपको लेके चले जाते हैं। और कई गाड़ियों के पीछे फ्रेंड्स क्या लिखा होता है, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू, मेरे पीछे आई मत आइए, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ जाना है। और जैसे गालिब साहब ने बहुत साल पहले बोला है कि वो मंजिल पे क्या पहुँचाए जिसने देखी राह ना चल के। और कई लोग मैं देखता हूँ कि जब वो मंजिल के पास पहुँचने के होते हैं, जब वो आगे बढ़ने की ओर होते हैं, तभी वो छोड़ के कोई और स्नैच करके ले जा रहता है। और फिर मैंने उनका देखा है, मेरे को फ्रेंड्स करीब 18 साल हो गए, 19वां साल चल रहा है इस इंडस्ट्री में, मैंने ऐसे लोगों को कभी कामयाब होते नहीं देखा 19 साल। इसलिए अब शुरू में जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए तो डर लगता था, अरे यार ये बंदा मेरा चला जाएगा, ये छोड़ जाएगा ये, अब डर नहीं लगता फ्रेंड्स, क्यों, मुट्ठी खुली रखिए। जो लौट के नहीं आया वो अपना था ही नहीं, और जो लौट के आ गया, जो गया नहीं वही अपना। सो मैं आपको भी कहूँगा, अगर आप नए हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, आप जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपकी अपलाइन है, वो आपका भला चाहते हैं, ओके, आप उससे भी आगे जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का यही बिजनेस का अच्छा है कि आप अपनी अपलाइन, अपने स्पॉन्सर और आप पूरी कंपनी में आप सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो अभी तक और लोगों ने नहीं किया। यू कैन क्रिएट हिस्ट्री डेफिनेटली। बट जितना बड़ा हमारा गोल होगा, जितना हमारा ड्रीम होगा, जितना बड़ा हमारे लक्ष्य होंगे, उतना बड़ा हमारा रोल भी होगा। मैं कितने लोगों को देखता हूँ आजकल, मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ फेसबुक प्रमोशन पे सीखने की, समझने की, अनजान लोगों को मैं देख रहा हूँ, पाना क्या चाहते हैं, बहुत सक्सेस कितनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रोडक्ट खरीदेंगे, नहीं सर पहले मैं 4 लोगों को ढूंढ लूँ जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, फिर अगर उन्होंने खरीदने की बात करी तो मैं आऊँगा। हम पूछते भाई उन 4 का क्या हुआ, सर वो 4 लोग भी पहले 4 को ढूंढने चले गए, और वो 4 भी ढूंढने चले गए, और 4 वो भी ढूंढने चले गए। चाहते तो हम इतना बड़ा है, इनपुट हम करना नहीं चाहते, ऐसा कभी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, द साइज ऑफ आवर गोल विल डिटरमिन द साइज ऑफ आवर रोल। हमारा जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ही बड़ा हमको एफर्ट करना पड़ेगा। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फोकस रहिए, मुश्किल आई छोड़ के मत भागिए। अगर कोई दूसरा कंपनी का व्यक्ति आपको लालच दे रहा है, डिस्ट्रैक्शंस दे रहा है, याद करिए वहां पर भी काम करना पड़ेगा, वहां पर भी टर्नओवर करना पड़ेगा, वहां पर भी एफर्ट करना पड़ेगा, ओके, वो कोई फ्री में नहीं मिलने वाला आपको। और फिर क्या होगा, जब आप वहां जाएंगे तो फिर तीसरी कंपनी वाला आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो चौथी कंपनी वाला डिस्ट्रैक्ट करेगा, और आप गोल 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 घूम के इस भवन में निकल नहीं पाएंगे। ये मेरा पिछले 18-19 साल का एक्सपीरियंस है। किन लोगों ने वेल्थ कमाई है? उन लोगों ने वेल्थ कमाई है जो टिके रहे, हाँ सही जगह टिके,
सही कंपनी के साथ चेक किया, सही ब्रांड के साथ चेक किया। और VLCC के बिजनेस में तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट भी है, ब्रांड भी है, प्रोफाइल भी है, ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है, पे आउट। अभी जो हमने डेवलपमेंट्स किए हैं, स्टार्टर बोनस और रेवोल्यूशनरी, 20% ऑफ मैचिंग मिल रहा है फ्रेंड्स। 5,000 के बिजनेस वॉल्यूम पे 600 रुपये टीम बोनस प्लस 400 रुपये स्टार्टर बोनस, 1,000 रुपया 20% मैचिंग। 10,000 के बिजनेस पे 1,320 रुपया टीम बोनस, 700 रुपया स्टार्टर बोनस, 2,000 रुपया 20% ऑफ मैचिंग। 20,000 के बिजनेस के ऊपर 4,040 रुपया 20% ऑफ मैचिंग। कोई नहीं दे रहा विद सच गुड प्रोडक्ट्स। कितनी कंपनीज के मैं देखता हूँ, कोई मुझे कहता साहब उस कंपनी का प्लान देखिए कितना बढ़िया है, वो कानून कितने बनाए उन्होंने। अगर आपका टाइटल ये है तो आपका इतना वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर आपका टाइटल ये है तो इतना वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर आपका टाइटल ये है तो इतनी इनकम आएगी आपको, आपका हफ्ते में वॉल्यूम उड़ जाएगा, आपका महीने में वॉल्यूम उड़ जाएगा, इतने सारे स्टार, इतनी सारी मुश्किलें उसके अंदर। और VLCC के बिजनेस में तो आप केवल 2 ग्रुप डेवलप करिए फ्रेंड्स, 1 करोड़ रुपया साल से ज़्यादा कमा सकते हैं आप। 1 करोड़ तो आप टीम बोनस ही कमा सकते हैं, फिर कार बोनस, हाउस बोनस, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। यस एंड रिवॉर्ड्स, अभी हमने जो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन किया, 10,000 रुपये से लेके 4 लाख रुपए तक का रिवॉर्ड, और आप 31 दिसंबर तक कितनी बार भी जंप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑलरेडी कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया। क्या आपने अपने टारगेट बनाया कि आप अपना टाइटल कितनी बार जंप कर रहा है? और मैं एक बार टाइटल जंप करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, बार 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 बार। ये कैसे होगा जब आप अपने नीचे के लोगों को फोकस करेंगे, जब आप उनके टाइटल की ओर, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऊपर से खींचने का नहीं है, ये नीचे से, जैसे जब ज्वालामुखी फटता है, जब वॉल्केनो फटता है फ्रेंड्स, तो नीचे से फटता है, और जितनी गहराई से वो फटता है उतनी ऊंचाई तक उसकी लावा और उसकी राख जाती है। ऐसा ही अपनी टीम के लोग फोकस करिए, डाउन में देखिए, उनको ग्रो करिए, अपनी टीम को फोकस करिए कि भाई मैं अपने 4 लोग लेफ्ट में और 4 लोग राइट में, मैं इनको हेल्प करूंगा टू ग्रो द टाइटल। अपने टाइटल को भूल जाइए, इनकी हेल्प करिए टाइटल को ग्रो करने में, इनको इनको गोल्ड से प्लैटिनम, प्लैटिनम से रूबी, रूबी से एमरल्ड, एमरल्ड से डायमंड पहुंचाइए। जब ये सब लोग ताकत लगाएंगे, आप तो अपने आप ऊपर पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, अपने गोल्स पे और सब पे। दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट। दिस इज नॉट अ पिरामिड स्ट्रक्चर कि जहां पर नौकरी में होता है कि ऊपर एक ही होता है, ये तो ऐसा है, आप नीचे की ओर है, फ्लैट है, प्लेटो है, कितने भी लोग ऊपर पहुंच सकते हैं एंड उसमें कोई भीड़ नहीं है, एनी नंबर ऑफ। तो ये बिल्कुल ध्यान करिए। तो ये बहुत हमने रेवोल्यूशनरी चेंजेस करे हैं फ्रेंड्स, जो स्टार्टर बोनस है और फिर प्रोडक्ट लॉन्चेस। अभी हमारा थोड़ा सा, आप जानते हैं, कोरोना की वजह से प्रोडक्शन और ये सारी दिक्कतें बहुत हैं, तो अभी हम अपना जो 250 ml का तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है सब, हम 500 ml का अपना हैंड वॉश लॉन्च कर रहे हैं और विद इन 10-12 दिन में हमें उम्मीद है हम लॉन्च कर देंगे। उसके बाद हम लॉन्ड्री वॉश लॉन्च कर रहे हैं अपना इस महीने, ये भी उम्मीद है हमें 10-12 दिन के अंदर, फर्स्ट वीक में बोला था फैक्ट्री ने, बट 10-12 दिन में हमको उम्मीद है कि हमारे पास आ जाएगा लॉन्ड्री वॉश, हैंड वॉश। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? ओके, आप आपकी टीम में कितने लॉन्ड्री वॉश बिकेंगे फ्रेंड्स? कपड़े तो सबके घर में धुलने, तो आप कितने लोगों को, आप ये तो कितना, कितने लोग आपके साथ होंगे, आपकी टीम में कितने लोग होंगे? क्या आप अकेले होंगे जो एक लॉन्ड्री वॉश खरीदेंगे, या आपकी टीम में 1,000 लोग खरीदेंगे, 5,000 लोग खरीदेंगे, 2,000 लोग खरीदेंगे, और आप लाखों रुपए का टर्नओवर एक साथ करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। अगले महीने हमारा टूथपेस्ट जुलाई में आ जाएगा, फ्लोर क्लीनर आ जाएगा हमारा, आजकल सब लोग डिसइंफेक्ट करना चाह रहे हैं अपने सर्फेसिस को, फ्लोर्स को, ये है डिश वॉश। ओके, तो ये सारे, तो अब ये 4-5 प्रोडक्ट तो हम लोग अभी आपको एक महीने मतलब जून जुलाई में दे देंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या, आपकी प्लानिंग क्या, और VLCC वेल साइंस का बिजनेस प्लान कितना खूबसूरत है कि 2 लेग में, डेप्थ में आप कितना भी टर्नओवर करें, उसी से टीम बोनस, उसी से कार बोनस, उसी से हाउस बोनस, उसी से रिवॉर्ड्स, सब कुछ उसी से हो रहा है, कितना गजब है। और जब आपकी टीम ग्रो करेगी, आप कितना ग्रो करेंगे। सो मैं कई लोगों को देखता हूँ कि उनके मन में आता है, ओके मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे दूसरी कंपनी बुला। फ्रेंड्स, ये नहीं कि मैं VLCC में जनरल मैनेजर हूँ, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं।
एंड द टाइमिंग टाइमिंग फ्रेंड्स, ये टाइमिंग, ये समय, ये VLCC का समय, अगर आप इसको महसूस कर पा रहे हैं जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बदल जाएगा सारा। जो VLCC ने टारगेट रखा है अपने 100 करोड़ का, आपको फैसला ये करना है कि आप उसमें से कितने होंगे। क्या आपका टर्नओवर 10% होगा, आपका टर्नओवर 20% होगा, क्या आपका टर्नओवर 50% होगा, आपकी टीम क्या करेगी। क्योंकि VLCC ने तो, जो मैनेजमेंट ने ठान लिया कि हम अपने लक्ष्य को, अपने हासिल लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे, इसलिए VLCC वेल साइंस ने अग्रेसिवली हर पैमाने पे काम करना शुरू किया। चाहे वो कोरोना के टाइम में भी प्रोडक्ट लॉन्चेस हो, नंबर वन जो भी प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ 2 महीने फैक्ट्रीज बंद रही, आउट ऑफ स्टॉक थे, अब वो इस फैक्ट्री फुल स्विंग में शुरू हो गई है, सब अभी इस हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। सोशल मीडिया, हमारा जो फेसबुक का आप देख रहे हैं, रोज बैनर आपके पास 8 बजे आपको एक बैनर मिल जाता है। आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना है, उसको कॉपी करना है और अपने फेसबुक पे पोस्ट करना है। ओके, अगर मेरे फेसबुक में 5,000 लोग हैं तो जब मैं कुछ पोस्ट करता हूँ उन 5,000 लोगों को दिखता है, जब 5,000 लोग उसको लाइक करते हैं या उसको शेयर करते हैं तो उनके भी 1,000, 2,000, 5,000 लोग हैं, और जब उनके 5,000 लोग देखते हैं तो फ्रेंड्स तीसरे चरण पहुंचते पहुंचते हम करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। मैं जो हम VLCC के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, करीब 1.5 लाख लोगों को अभी तक वो लोग देख चुके हैं। ओके, जो मैंने प्रमोशन किया VLCC, उन 1.5 लाख लोगों ने जब पोस्ट किया तो आगे कहाँ गया, और जो दिखता है वो बिकता है। आज ये सब बैनर जो VLCC के वेल साइंस के रोज फेसबुक पे आते हैं, आप करते हैं और करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एक मार्केट में हल्ला कर रहे हैं, मार्केट में शोर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है यार VLCC में, तो अभी स्टार्टर बोनस हो गया, अभी इसमें ये रिवॉर्ड्स हो गए, तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। यस, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब TV पे ऐड आता है फ्रेंड्स, तो आप TV से नहीं खरीदते हो, पर जब आप शॉप पर जाते हो तो शॉप में जब आपको वही प्रोडक्ट दिखता है तो आप उसको खरीदते हो। यस, ये जो सोशल मीडिया का प्रमोशन है या जो वर्ड ऑफ माउथ है फ्रेंड्स, यही महत्व है। हो सकता है कि आप ए की पोस्ट से बी को फायदा हो जाए, बी की पोस्ट से सी को फायदा हो जाए, मगर जब सब लोग इसको वायरल करेंगे, ओके, जब सब लोग इसको वायरल करेंगे फ्रेंड्स, तो ये चारों ओर एक्सप्लोड करेगा। आपने कभी देखा कि अगर आप पे कोई पोस्ट आता है व्हाट्सअप का, आपके आपके शहर क्या 15 मिनट बाद आपके पास वही पोस्ट आ जाता है दूसरे ग्रुप में महाराष्ट्र से, और आधे घंटे में वही आपको तमिलनाडु से आ जाता है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया फ्रेंड्स। तो मैं आपको केवल ये बोलूंगा कि जो भी हम लोग प्रोफेशनल हमने हायर किए हुए हैं, जो डेली ये क्रिएशंस क्रिएटिव्स बना रहे हैं हमारे लिए, हमारी सोच के ऊपर, ओके, तो रोज मैं मेरे दिमाग में मैं करता हूँ कि 2 चीज़ें ऐसी क्या हैं जो मुझे क्रिएट करनी है आपके लिए। तो कभी हम लीडरशिप के ऊपर, कभी मैनेजमेंट के ऊपर, कभी प्रोडक्ट के ऊपर, इन सब चीज़ों पे रोज आपको कोई ना कोई पोस्ट दे। आपने केवल क्या करना है, कॉपी करना, पोस्ट करना। फेसबुक पे फ्रेंड्स बढ़ाइए, फेसबुक का अपना अच्छा पेज बनाइए, यूट्यूब पे सब आपको, सब वहाँ पर यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस, हाउ टू ग्रो योर फेसबुक पेज, कैसे उसको लाइव कर सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। सीखिए, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। मेक इट वायरल, दुनिया शोर कर दीजिए, हल्ला मचा दीजिए कि क्या कोराम हो गया है, एंड फिल पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। यस, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो मैं कहूँगा, अगर किसी के मन में ध्यान करिए, किसी के मन में भी अगर सवाल आता है, नहीं यार, यहाँ नहीं, मैं कहीं और करूँगा, ध्यान करिए, ये टर्निंग पॉइंट है VLCC, ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। यस, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। मैं ये बहुत 0.01% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके मन में आ जाता है कभी कभी, छोड़ो यार, भागो। यस, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, जिंदगी में जिंदगी भर पछताएंगे आप, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कुछ लोग 0.01% की बात कर रहा हूँ जो भटकते रहते हैं दरअसल, ये ठीक। और अब आपको क्या करना है, एक बार आपने बड़े गोल बना लिए अपने कि मेरे को 5 साल में करना है, 2.5 साल में करना है, 1 साल में करना है, 1 महीने में करना, 3 महीने में करना, फिर उसको भूल जाइए। अब आपको फोकस करना है केवल नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप क्या एक्शन करेंगे अगले 24 घंटे। मैंने बोला 8 घंटे सोने में निकल गए, 8 घंटे व्यर्थ के कामों में निकल जाते हैं, 8 ही घंटे हैं आपके पास।
इन आउट घंटे में आप क्या आउटकम करना चाहते हैं, आप क्या आउटपुट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, जिंदगी में हम या तो बढ़ते हैं या हम सड़ते हैं। वी आइदर ग्रो इन लाइफ और वी डिके, वी डू नॉट रिमेन द सेम, हम वैसा नहीं रहते। ओके, नॉट टू टेक अ डिसीजन इज ऑल्सो डिसीजन इन लाइफ, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 घंटे, कल का तारीख, कल जो तारीख है उसको आज प्लान कीजिए, परसों को कल प्लान करिए, उसके बाद को, एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट। अपना ऑडिट कीजिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे सक्सेस के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं उसको करिए। यस, और सलमान खान का डायलॉग है ना कि जब मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये हमको करना है। तो प्लान योर 24 आवर्स, 24, जब आप दिन को प्लान करेंगे तो आपके हफ्ते प्लान होंगे, जब आप अपने हफ्तों को प्लान करेंगे तो आपके महीने प्लान होंगे, जब आप महीनों को प्लान करोगे तो आपके साल प्लान होंगे, जब आपके साल प्लान करोगे तो आपकी लाइफ प्लान होगी। इट स्टार्ट्स विद दिस मोमेंट, यस, इस समय से अपनी जिंदगी की खुद कहानी लिखो। ठहरा नहीं बहता पानी बनो, बरसों में हासिल सब कर जाओगे, बस हर लम्हे की कुछ जिंदगानी लिखो। उठाओ कूची और चित्रकार बनो, रौंदो मिट्टी और खुद कुमार बनो, बस हर लम्हे की कुछ जिंदगानी लिखो। ठहरा नहीं बहता पानी बनो, बरसों में हासिल सब कर जाओगे, बस हर लम्हे की कुछ जिंदगानी लिखो। जिसने समय को साथ लिया, जिसने समय को बांध तो नहीं सकते पर समय में आप मनचाहे रंग लिख सकते हैं, वही जिंदगी में है। और फोकस होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या फ्रेंड्स, इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन योर वर्क। हमारे चारों ओर इतनी सारी आवाजें आपको रोज सुनाई देती हैं, डेली आपको नई नई आवाजें, इसकी आवाज, उसकी आवाज, इस कंपनी की आवाज, उस कंपनी की आवाज, उसकी लीडर की आवाज, इसकी आवाज, आज तक की आवाज, जी न्यूज की आवाज, एबीपी न्यूज की आवाज, कांग्रेस की आवाज, बीजेपी की आवाज, सबकी आवाजें सुनाई देती हैं। और इन सब आवाजों में अपनी जो आवाज है, अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है, वो छुप कहीं रह जाती है, कहीं छोड़ जाती है। इग्नोर द नॉइज, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शंस, फोकस, फोकस ही मूल मंत्र है। ओके, 30 सेकेंड्स फोकस, जो काम करना है उसको उसी पे लगे रहना है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। ऐसे लोग, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाए उसको अपनाइए। ऐसे लोग, ऐसा वातावरण, ऐसा टीवी चैनल, ऐसा यूट्यूब, ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको आपकी मंजिल की ओर नहीं लेके जा रहा उससे दूर रहिए। याद रखिए, आपके पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय, उसको व्यर्थ के लोगों में और व्यर्थ के काम में व्यर्थ करना जरूर बुद्धिमानी नहीं है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ओके, जब तक कोई इसको करता नहीं तब तक जो है इम्पॉसिबल लगता है फ्रेंड्स। ओके, पहले बोला जाता था कि अगर कोई 1 मील की रेस 4 मिनट से कम में दौड़ देगा, कोई कर ही नहीं सकता, तो उसके उसके जो है लंग्स फट जाएंगे, मर जाएगा। मगर रॉजर बेनिस्टर ने एक बार ऐसा करके दिखाया कि उन्होंने 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम में दौड़ी, और फ्रेंड्स फिर 1-2 साल के अंदर ही वो 35 बार रिकॉर्ड टूटा। यस, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी कर सकता है, डर के आगे जीते, डरते सब है। डर क्या है? फियर। फियर की फुल फॉर्म क्या है? FEAR, फॉल्स एनिमी अपियरिंग रियल। सब डर अपने अंदर है, इसको दूर करें। ओके, सो सब कुछ हो सकता है। और ब्रूस ली ने कहा है कि अगर आप बहुत सारा समय किसी चीज के बारे में सोचते हुए निकाल देंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मेक एटलीस्ट 1 डेफिनेट मूव विच टेक्स यू टूवर्ड्स योर गोल। रोज ऐसा कार्य जरूर करें जो आपको मंजिल की ओर लेके जाए। ज्यादा एनालिसिस फ्रेंड्स पैरालिसिस कर देता है। यस, ये बहुत जरूरी है। अभी एक लड़के से मैं बात कर रहा था, वो बड़ा एनालिसिस में लगा हुआ। सर मैं कागज पेन लेके बैठता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ। ध्यान करिए, बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बात को समझिए, कर्म करिए। यस, ज्ञानी ज्ञानी होने से कुछ नहीं होता, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने से सब कुछ होता है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज। नॉलेज हैज टू बी क्रिएटेड इनटू स्किल्स। यस, वी आर पेड अकॉर्डिंग टू अवर स्किल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज। यस,
परिवर्तन करना जरूरी है। अगर मैं सारा आपको सार बताऊं अपनी आज की बात का फ्रेंड्स, वो सार ये है कि आपको वीएलसी से तैयार है अपनी उड़ान के लिए, कंपनी से एक एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट और लीडरशिप का मिलके काम करना। हमने एक अपना लीडरशिप काउंसिल बनाया है जिसमें हम पहले फ्राइडे को मिलते हैं, हम दो मीटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो मई में लीडरशिप काउंसिल में अपनी लीडरशिप से जो भी कहा था, जो हमारे हमने अपनी लीडरशिप को सुना था, वो हमने एक महीने के अंदर दिन रात एक करके हमने उसको इम्प्लीमेंट करा, उसे करके दिखाया। 2 मई को हमने वादा किया था और 1 जून तक हमने वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स उन पे डिसीजन लेके और एक्शन लेके हमने दिखा दिया। चाहे वो प्लान के अंदर कुछ एडिशन थे स्टार्टर बोनस जैसे 5, 10 और 20 हज़ार के, चाहे वो रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन का था कि 10 हज़ार से लेके 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक के रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, चाहे वो सोशल मीडिया का जो है सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, और हम अभी अगला रेगुलेशन कर रहे हैं अगले महीने फ्रेंड्स जुलाई में। आईटी हमारी जो वेबसाइट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये एक ई कॉम वेबसाइट बन जाएगी। जैसे अभी आप अमेजन पे जाते हैं ना, प्रोडक्ट खरीदते हैं, पे करते हैं, वो डिलीवरी कोई और करता है और प्रोडक्ट आपके घर में आता है, ऐसा ही अब आप कर पाएंगे। अब आप 2 आईडी क्रिएट कर पाएंगे, एक एसोसिएट आईडी जो बिजनेस करना चाहता है और एक कंज्यूमर आईडी जो बिजनेस नहीं करना चाहता, प्रोडक्ट लेना चाहता है। और अगर चाहते हैं आप कि भाई ये कंज्यूमर है और रिटेल प्रॉफिट मैं कमाना चाहता हूँ, तो कंज्यूमर बनाइए और उसको प्रोडक्ट पहुंचेगा एमआरपी पे उसके घर पे। मैं आपका कंज्यूमर हूँ, आपने मुझे रजिस्टर कर दिया, मैंने बिल किया या कंज्यूमर ने खुद कर लिया, प्रोडक्ट उसके घर पे पहुंचा एमआरपी पे, और एमआरपी और रिटेल का जो आपका डिस्काउंट है उसको हम देखेंगे कि हम कितना जीएसटी में और कूरियर में यूज करेंगे और कितना वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। पर आपका जो एसवी है वो पर्सनल एसवी हो जाएगा, क्योंकि अब कोरोना के टाइम पे वो टाइम नहीं रहा कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके किसी को प्रोडक्ट दें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है। मगर आपका प्रोडक्ट तो जा सकता है कुरियर से, तो आप 10, 20, 50, 100 लोगों को कंज्यूमर बनाइए, एमआरपी पे उनके घर में प्रोडक्ट पहुंच रहा। हाँ, डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं बाद में आप खुद उसको दे सकते हैं। बिल तो कई लोग तो बोलते हैं साहब मैं एमआरपी पे देना चाहता हूँ पर बिल डिस्काउंट का पहुंच जाता है, मेरे को फायदा नहीं होता। एमआरपी पे बिल जाएगा, बोनस पॉइंट आपके, रिटेल प्रॉफिट आपका। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 कंज्यूमर बनाइए पूरे भारत में। फिर हम ऐसा करेंगे कि आप लिख, जैसे आपने वुमन हेल्थ प्रमोट किया फेसबुक पे, किसी ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने देखा और फिर उसमें उसको नजर आया, पसंद आया, उसमें आएगा पे नाउ, वो पे नाउ करेगा, अपने कार्ड से, पेटीएम से, गूगल पे से पेमेंट करेगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट उसके घर पे, रिटेल प्रॉफिट और कमीशन आपके पास। ठीक, रेवोल्यूशनरी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं अपने वेबसाइट में और इसको ई कॉम वेबसाइट बना रहे हैं जो आपको अपना ट्रैफिक खींचने के लिए, आपको आपका सारा ट्रैफिक आएगा उसके ऊपर, आपका आपका बिजनेस मतलब रेवोल्यूशन। सो वीएलसीसी वेलसाइंस फ्रेंड्स तैयार है एक बड़ी जायंट लीप के लिए। और ये जायंट लीप हमने पिछले 2 सालों में, हमने कभी ये नहीं चाहा कि हम एक, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आग की तरह आती है और पानी की तरह बह जाती है, छोटे छोटे वो हरकतें करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नहीं, हमने एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाई है, क्योंकि आप जानते हैं जितनी गहरी बुनियाद होती है उतनी ही ताकतवर बिल्डिंग और ऊंची बिल्डिंग खड़ी होती है। वीएलसीसी ने पिछले 2 सालों में उसे स्ट्रांग फाउंडेशन बनाया है आपके लिए, और चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो पे आउट हो, चाहे वो सोशल मीडिया इंट्रैक्शन हो, चाहे वो ई कॉम वेबसाइट हो। ट्रेनिंग सिस्टम हमारा कितना खूबसूरत ट्रेनिंग सिस्टम हमारा चल रहा है, जहाँ पर हमारे 4 ट्रेनर्स और हमारी जो जीएम ट्रेनिंग है लता जुगराम, कितना मंडे टू सैटरडे नालामीज में ट्रेनिंग है, इंग्लिश में ट्रेनिंग है, हिंदी में ट्रेनिंग है, बंगाली में ट्रेनिंग है फ्रेंड्स, मराठी में ट्रेनिंग है, रोज एक दिन प्रोडक्ट पे, एक दिन वेबसाइट पे, एक दिन बिलिंग करने पे, एक दिन सेलिंग स्किल्स के ऊपर, एक दिन वेलकम टू वीएलसीसी। अब लीडर्स को क्या करना है, आपको तो केवल रिक्रूटमेंट करना है और ट्रेनिंग में डालना है, रिक्रूटमेंट करना है और ट्रेनिंग में डालना है। आपको फोकस करिए टीम बढ़ाने में। हाँ, आप भी अपनी ट्रेनिंग्स करिए, आप भी अपनी मीटिंग्स करिए, जैसे हम लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, मगर जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, जो बेसिक मीटिंग्स हैं, वेलकम टू वीएलसीसी, प्रोडक्ट का सेशन, प्लान की नॉलेज, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, कंपनी कर रही है आपके लिए।
इससे बढ़िया टर्न की ऑपरेशन क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ट्रेनिंग सिस्टम है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, न्यू लॉन्चेस हैं, ई कॉम वेबसाइट है, आई मीन स्काई इज द लिमिट। हमने तो ठान लिया एज अ कंपनी, हमने ठान लिया हमारा विजन 100 करोड़। आपको ठानना है, आपको फैसला करना है, आप उसमें से 1,000 का शेयर लेना चाहते हैं, आप 10,000 का लेना चाहते हैं, आप 10 लाख का लेना चाहते हैं, आप 1 करोड़ का, चॉइस आपकी है। तो मैं आपको ये कहूँगा फोकस, यही मैंने आपको कहा, फोकस रखिए, गोल्स बनाइए, रिव्यू करिए, आउटकम सेट करिए, डेली आउटकम 24 घंटे को फोकस करिए, डेली 24 घंटे की आउटकम। सुबह को टास्क ये किया था, शाम तक ये हुआ रिव्यू, कल का टास्क ये है, शाम का रिव्यू है, कल का ये है। मैं दावे से कहता हूँ आपको फ्रेंड्स, मैं दावे से कहता हूँ, अगर 1 महीना 30 दिन आपने अपने 8 घंटे को डिसिप्लिन से, अनुशासन से नियंत्रित कर लिया, आपकी पूरी जिंदगी नियंत्रित हो जाएगी, आपकी दिशा हो जाएगी। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, आई हैव लर्न द फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला सीख लिया है जीवन में, कैसे केंद्रित होना है, कैसे फोकस होना है, कैसे आउटकम सेट करना है और कैसे आउटकम को अचीव करना है और फिर बहुत और बड़ा गोल बनाना है और बड़ी आउटकम करना है और फिर उसको अचीव करना है, तो यही सारा मुझे आपको कहना है। तो मैं चाहूँगा जो भी मैंने आपको आज शेयर किया, इसको इम्प्लीमेंट करिए। नॉलेज आप सबके पास है, सबके पास एक्सपीरियंस है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अनुभवी हैं और बहुत सारे लोग नए हैं। अगर आप नए हैं, आपके लिए भी चांस पूरा है, आप अनुभवी लोगों से ज्ञान लीजिए, और जो अनुभवी है मैं चाहूँगा वो नए से ऊर्जा लें। दरअसल में क्या है, नए आदमी के पास बिलीव कम होता है, नॉलेज कम होता है, पर उसके पास एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होती है, उसके अंदर जोश ज़्यादा होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे के अंदर एनर्जी होती है, उसकी ऑक्सीजन हाई लेवल पर काम करती है, वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। जब हम, वो डरता नहीं है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, हमारी एनर्जी डाउन होने शुरू हो जाती है। तो जो अनुभवी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो आराम पसंद हो जाते हैं, उनको ज्ञान तो होता है पर वो कर्म करना छोड़ देते हैं, वो उस नए बंदे से एक्शन की उम्मीद करते हैं जिसकी नॉलेज कम है। तो हमें क्या करना है, ये मैरिज करना है, ये सामंजस्य प्राप्त करना है कि नए व्यक्ति की ऊर्जा और पुराने का अनुभव जब साथ में आएगा तो विस्फोट आएगा, एक बिजनेस बन के आएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आपको यही कहना है, तैयार हो जाइए एक जायंट लीप के लिए, एक जायंट जंप के लिए, हिस्ट्री बनाने का समय आ गया है। अभी मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, जब अमेरिका ने चांद पे पहला कदम रखा, नील आर्मस्ट्रांग ने, और उन्होंने कहा कि स्मॉल स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, इंसान के लिए एक छोटा कदम पर ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा। यही आपके साथ हो सकता है अगर आप फोकस रहें, आप केंद्रित रहें, आप अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाएं, आप पूरा केंद्रित हुएं, अपने को पूरा झोंक दें, यस, समर्पण के साथ, पूरे पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, अपने लक्ष्य की ओर, पॉजिटिविटी की ओर, पॉजिटिव ऊर्जा की ओर, उस सूरज की रोशनी को जैसे कागज पर लगाते हैं, ऐसे आपको अपनी पांचों इंद्रियों को, अपने पूरे फोकस को, अपनी पूरी एनर्जी को केंद्रित करना अपने लक्ष्यों पे, अपने गोल्स पे। और जब आप और सब लोग अपना फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एक ज्वालामुखी फटेगा, एक विस्फोट होगा, और उस विस्फोट से इतनी रोशनी, इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि वह आपके, हमारे और सबके और हमारे देश के गौरव को भी बढ़ाएगी और देश के अभिमान को भी बढ़ाएगी और देश की फाइनेंशियल हालत और हेल्थ को भी बढ़ाएगी। मुझे ये कहना है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस।